हेलो दोस्तों, और एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर का जो टाइमर आता है, जो कि डिफ्रॉस्ट करता है एक्सेस जब आइस हो जाता है ऊपर में फ्रीजर में, तो फिर आइस को गलाने का काम करता है, तो वो टाइमर का फंक्शन कैसा है उसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, मैं डिटेल्स में आपको वायरिंग डायग्राम के साथ दिखाऊँ। दोस्तों, ये हमने एक टाइमर का डायग्राम बनाया है। ये देखिए, टाइमर का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला न्यूट्रल कनेक्शन है, ये एक नंबर में रहेगा, जो कि आपका न्यूट्रल रहेगा वो न्यूट्रल कनेक्शन इसमें जाएगा। ये जो चार, उसके बाद टाइमर में जो एक छोटा मोटर है, इसमें एक छोटा सा मोटर है, ये देखिए 220 वोल्ट से चलता है ये मोटर। इस मोटर को चलने के लिए एक न्यूट्रल चाहिए और एक लाइन चाहिए। तो इसका जो तीन नंबर है, वो तीन नंबर टाइमर के लिए लाइन जाता है, ये तीन नंबर से टाइमर पर लाइन जाएगा। उसके बाद ये घूमते घूमते कभी कभी ये चार नंबर पे भेजेगा लाइन, जो कि कंप्रेसर है, कंप्रेसर चलेगा तो फ्रिज ठंडा होगा। उसके बाद जब उसका सर्कल पूरा हो जाएगा, ये 8 घंटे का टाइमर है, 8 घंटे के बाद वापस से टाइमर का सप्लाई ये दो नंबर पे चला जाएगा, जो कि डिफ्रॉस्ट टाइमर है, जहाँ से वो कनेक्शन घूमते घूमते वो हीटर पे जाएगा, बायोमेटल हीटर फ्यूज हीटर, जहाँ से वो बर्फ़ को गलाएगा। यही फंक्शन है टाइमर का। ये 10 मिनट तक इसमें चलेगा दो नंबर पे, ऑटोमेटिक फिर ट्रांसफ़र होके चार नंबर पे चला जाएगा करंट। अगर ये तीन नंबर में हमेशा करंट रहेगा, तो तीन नंबर से एक बार चार नंबर पे जाएगा, 8 घंटे यहाँ पे चलेगा, 8 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए दो नंबर पे जाएगा, दो नंबर पे 10 मिनट चलने के बाद वापस ये चार नंबर पे चला जाएगा। अगर आपका दो नंबर से चार नंबर पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है करंट, या चार से दो पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है करंट, इसका मतलब है टाइमर ख़राब है। तो आप नया टाइमर लगा दीजिएगा, काम सॉल्व हो जाएगा। ये है इसका टाइमर का कनेक्शन। ये देखिए, वहाँ पे नंबरिंग भी सब सेम किया है मैंने। तो आइए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। तो इसके न्यूट्रल को एक नंबर पे और टाइमर के फेज को तीन नंबर पे लगा के हम इसको सिंपली पावर पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करके ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं, आपको शायद दिखाई दे रहा हो, ये टाइमर घूम रहा है, इसका मतलब टाइमर सही है। अभी ये आपका टाइमर, ये देखिए, ये दो नंबर पे सप्लाई दे रहा है, ये इसका मेन लाइन है टाइमर का, ये इसका लाइन है, ये इसका न्यूट्रल है, और ये कंप्रेसर का लाइन है, जो कि अभी करंट नहीं दे रहा है। अभी ये डिफ्रॉस्ट पे चल रहा है, ये अभी ये डिफ्रॉस्ट कर रहा है, ये देखिए, ये अभी दो नंबर पे लाइन दे रहा है, दो नंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं डिफ्रॉस्ट टाइमर है, ये डिफ्रॉस्ट कर रहा है। घूमते घूमते 10 मिनट के बाद वापस ये चार नंबर पे, ये चार नंबर का कनेक्शन है, जो कि अभी लाइन नहीं दे रहा है, चार नंबर पे अभी कोई सप्लाई नहीं है, जो कि कंप्रेसर का लाइन है। तो 10 मिनट के बाद अगर ये घूमते घूमते चार नंबर पे लाइन दे दिया, इसका मतलब है टाइमर सही है। तो देखते हैं, रुकिए, काफ़ी समय से घूम रहा है ये, 10 मिनट लगभग हो चुका है, तो आप देखते हैं इसके कंप्रेसर में सप्लाई आया कि नहीं। ये हमने इसके दो नंबर पे चार नंबर पे लगा दिया, जो कि कंप्रेसर का कनेक्शन है, ये देखिए चार नंबर पे सप्लाई आ चुका है, इसका मतलब कि ये टाइमर सही है, ये बिल्कुल सही से घूम रहा है, ये देखिए जहाँ पे भी घूम रहा है। तो इसी तरह से आप इजीली टाइमर को चेक कर सकते हैं।